कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BCS 730 पावर टिलर की। जैसा कि हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें जो ऑडियो क्वालिटी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आप लोगों की बहुत सारे किसान भाइयों की कमेंट आ रहे थे कि सर इसका रिव्यू आप दोबारा कीजिए और डिटेल से कीजिए। तो आज हम आपके लिए दोबारा से कंप्लीट रिव्यू लेकर आ चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजी, जो आपको सारी जानकारी इसके बारे में देंगे और साथ में इसके प्राइस बताएंगे और इसके जो है वो सब्सिडी के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितनी सब्सिडी आपको इसके ऊपर मिल जाती है। किसान भाइयों, पहले आप पावर टिलर का छोटा सा ओवरव्यू एंजॉय करेंगे और उसके बाद राजी से मिलवाएंगे आपको और उनसे पूरी जानकारी लेंगे, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस फीचर के साथ ये आता है और कितने प्राइस हैं और किस प्रकार से आपको सब्सिडी मिलती है। सारी जानकारी आपको इसमें देंगे और इसे आपको चलाकर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, मेरा नाम राज चौधरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये BCS का 730 पावर टीलर है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लें इसके इंजन की, तो इसमें 8 HP का डीजल पेट्रोल इंजन आता है। आप जिसमें चाहें उसमें ले सकते हैं, हमारा ये पेट्रोल वर्जन है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटो स्टार्ट दोनों फीचर्स मिल जाएंगे। जो ऑटो स्टार्ट फीचर आप लेना चाहेंगे, ये तो मैनुअल है, ऑटो स्टार्ट वाले में वहाँ पे आपको पुश बटन मिल जाएगा, स्टार्ट बटन मिल जाएगा, तो लेकिन उसके लिए आपको कीमत थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब बात कर लें इसके टायर्स की, तो टायर्स में इसका 4010 के दो टायर्स आते हैं और जो कि एडजस्टेबल होते हैं, आप इसको चौड़े और नेड़े भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें गियर्स आते हैं, 3 गियर्स आते हैं शटल शिफ्ट के साथ। शटल शिफ्ट में आप आगे उसी स्पीड से आगे और पीछे कर सकते हैं तीनों गियर्स में। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंशियल भी दिया गया है, डिफरेंशियल लॉक भी है। अब बात कर लें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में इसके अंदर ये सेफ्टी लॉक दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपका क्लच पे से हाथ छूट जाता है किसी भी सिचुएशन में, तो ये अपने आप ही ऊपर हो जाएगा और जो रेस जो है वो नॉन वर्किंग हो जाएगी और ये अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके, ये जो दिया गया है, ये तो गियर्स हैं, यहाँ पर इसमें 3 गियर्स दिए गए हैं। 3 गियर्स के बाद ये आप देख सकते हैं लगा के, इस टाइम दूसरे गियर में है और ये इस टाइम न्यूट्रल है और ये पहले में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जो यहाँ पर है लीवर गियर की, तो इस टाइम ये लीवर गियर है और ये वर्किंग नॉन वर्किंग है, ठीक है। अभी ये वर्किंग पे हो गया, अभी नॉन वर्किंग है, मतलब रोटरी चलाने के लिए जो गियर दिया जाता है, ठीक है। इसमें स्टेयरिंग को एडजस्ट करने के लिए भी पैनल दिया गया है, यहाँ पर आप इसको दबा के ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप, ये स्टेयरिंग जो है ऊपर नीचे एडजस्टेबल है, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें इसकी रोटरी की, इसकी जो रोटरी है, रोटरी जो दी गई है वो भी एडजस्टेबल दी गई है। जैसे कि इस टाइम 2 फीट पे हमने कर रखी है, जो है नेड़ी कर रखी है, इसको आप 0.5 फीट और बढ़ा के यहाँ पर और ब्लेड्स भी लगा सकते हैं जो इसके साथ पहले से कंपनी की तरफ से आते हैं। उसके बाद हम बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसमें प्राइस इसका 1.5 लाख रुपये है, जिसमें 50% जो है सरकार सब्सिडी दे रही है। आप अपने नियर बाई डीलर से इसकी जानकारी ले सकते हैं और कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो सब कुछ बता देगा। ये यहाँ पर इसका टूल बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर आप टूल भी रख सकते हैं अपने, थोड़े बहुत जो भी टूल वगैरह आप रखना चाहें इसके अंदर रख सकते हैं, ये ऊपर पूरा खुल जाता है। हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये स्टार्ट हो सकता है। तो मैनुअल वाला है हमारा, तो इसको मैनुअली हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना इजीली ये स्टार्ट हो जाता है, बहुत आसानी से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी जो है वो एक्स्ट्रा जो है आपको कोई भी जोल नहीं लगाना पड़ेगा। जी 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 जी, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये यहाँ पर हमारा जो है, हम पहला गियर इसमें लगाएंगे, ये इसमें पहला गियर हमारा लग चुका है और उसके बाद हम इसको आगे चलाएंगे। ये यहाँ पर रेस दी गई है, रेस को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसके बाद हम चलाएंगे। देखिए बालक नाम है, ये जो है हल्का हल्का चल रहा है, अब इसमें हम दूसरा गियर लगाएंगे। देखिए देख पा रहे हैं आप, जैसे देख पा रहे हैं, अब हम इसका रोटर ऑपरेट करेंगे, तो रोटर गियर जैसे हम इसको
लगाएंगे यहाँ पर। ये इसका रोटर गियर जो है लग चुका है, अब इस टाइम पे हम इसका रोटर चलाएंगे। ये देखिए, जैसे कि हम इसके सेफ्टी फीचर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये सेफ्टी फीचर दिया गया है। अगर आपके गलती से कभी यहाँ पर जो है क्लच छूट जाता है अपने हाथ से, तो ये जो है सेफ्टी फीचर अपने आप ही यहाँ से हट जाएगा। देखिए ये जो है बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो गया, तो इसमें चोट लगने का खतरा बिल्कुल नहीं है। किसान भाई, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। किसान भाई, अब तक यह वीडियो आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कृषि मीडिया एंड टैग पर देख रहे थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको एक सेकंड लगेगा और मुझे काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की ट्रैक्टर से जुड़ी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोज़ देकर आते रहते हैं। हमारी वीडियोज़ को यूँ ही लगातार देखते रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।